हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन किस तरह भर सकते हैं, उसका एडमिट किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे सर्च करना है सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 और आगे लिखना होगा cett.co.in। आप लोगों का cett.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसी के साथ ये वेबसाइट जो सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग की वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है, तो आपको सिंपली इसे गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे आप इसे लिख के गूगल में सर्च करेंगे तो सर्च करते जो सबसे पहला रिजल्ट आपको गूगल में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसे ओपन कर देना होगा, और उसे ओपन करते आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगी। लाइक ये सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के द्वारा, जो कि तमिलनाडु में सूचित किया जाए। उसी के साथ साथ जो मेन एम मेन मकसद है इस एग्ज़ाम का कंडक्ट करने का वो ये है कि जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट्स को जो है वेरियस डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग, पीजी डिप्लोमा नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो उन्हें जो है सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी लेवल जो एग्ज़ाम है इनका या इंटरेस्ट है उसे क्लियर करना होगा, तो उन्हें जो है सीएमसी वेल्लोर में जो एडमिशन मिल सकता है नर्सिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग। हम जो है सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग के हाईलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इसका जो फुल फॉर्म ने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, सीएमसी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और वेल्लोर नर्सिंग हम बुलाते हैं उसे। उसी के साथ साथ जो टाइप ऑफ एग्जाम है यूजी और पीजी लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम जो है स्टेट लेवल है, कोर्सेज यहाँ पे जो ऑफर किए जाएंगे सिर्फ और मेडिकल कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे और कोई भी कोर्सेज नहीं ऑफर किए जाएंगे। इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी सीएमसी वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर खुद ही इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। अब बात की जाए एप्लीकेशन मोड और एग्जाम मोड की, तो दोनों ही ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होंगे, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा, और एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। टोटल आप लोगों को 3 घंटे दिएंगे, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स दिखाई दे रही होगी गाइस, तो जितनी भी क्विक लिंक्स हैं सारी के सारी क्विक लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली अगर किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो उसके सामने जो लिंक दी हुई है आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करते आप एक न्यू पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर आप फुल डिटेल में उस लिंक के बारे में लिंक के थ्रू उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाएगी एग्ज़ाम डेट्स की, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फेब में स्टार्ट हो जाता है, एडमिट कार्ड मई के स्टार्टिंग में जो रिलीज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका जो एग्ज़ाम है वो मई के मिड में जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी तरह से और भी सारी डेट्स दे दी गई है हर एक इवेंट के, आप चाहे तो फुल डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए भी डेट दे दी गई है, पीजी कोर्सेज के भी डेट्स चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सो क्या सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उतनी ऐसी सावधानी अलर्ट रखने की जरूरत है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी गलती कोई भी मिस्टेक करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी के साथ एक और जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस फॉर्मेट में कितनी साइज़ में जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो किसी भी साइज़ और किसी भी फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही हम आगे सीएमसी वेल्लोर नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से आप जो फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं, कितने साइज में सेव करना है, कौन सा फॉर्मेट में सेव करके अपलोड करना है, हर एक फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, ताकि बेल आइकन बटन भी दबा के रखाओ, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो, आप सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हम आपको वीडियो में बताएंगे वो देख के आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आसानी से फिल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएमसी वेल्लोर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑनलाइन मोड आप भर सकते हैं डायरेक्टली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। उसी के साथ एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको रिफंड नहीं की जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे आप नीचे जो टेबल दिखाई दे रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फ़ी,
पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फी 400 रुपीस है, कोर्स की फी 350 रुपीस है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 750 एडमिनिस्ट्रेटिव फीस हो गई और 500 जो कोर्स की फीस है, और एमएससी नर्सिंग की 750 एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है और 650 जो है वो कोर्स की फीस आपको यहाँ पे बता दी गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस सीएमसी वालों नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप उसके एग्जाम के लिए अप्लाई करना तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होता है। क्योंकि अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो गाइस जिसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दी गई है, एमएससी नर्सिंग के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दी गई है। उसी तरह से जो है आप जो भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो कोर्स के हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम मोड जो आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम के टाइप रहेंगे एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछेंगे, एक क्वेश्चन के टोटल चार ऑप्शन रहेंगे, वो चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट किया वो ऑप्शन को आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा। ड्यूरेशन की बात की जाए यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो दोनों ही पेपर के अलग अलग ड्यूरेशन रहेंगे। लाइक यूजी कोर्स के लिए 1 घंटा 10 मिनट आपको दिया जाएगा और पीजी कोर्स के लिए 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज आपको पेपर प्रोवाइड करेगा और किसी भी लैंग्वेज में पेपर जो है आपको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। उसी की तरह से अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सो गाइस आपको जो सिलेबस है आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से दे दिया जाएगा। आप वहाँ से हर एक टॉपिक यानी कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस अलग है, डिप्लोमा नर्सिंग का सिलेबस, आपको हर एक जो कोर्स का सिलेबस अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक के द्वारा वहाँ से सिंपली अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात की जाए अगर एडमिट कार्ड के बारे में, तो गाइस सीएमसी वैलो नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उतनी ज़्यादा सावधानी और अलर्टनेस रखने की आपको ज़रूरत है एप्लीकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत डिटेल्स गलत इंट्रीगेंट डालने की वजह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, और उसी के साथ जो स्टूडेंट्स है कई सारे को तो पता ही नहीं चल पाता कब एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होता है कब उसकी डाउनलोड डेट जो है वो एंड हो जाती है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना होगा, आप लोग एडमिट कार्ड ना डाउनलोड कर पाओ, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड डिक्लेयर होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे और बता देंगे कि एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ वीडियो में आपको ये भी देखने मिल जाएगा कि किस तरह से आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रिजल्ट के बारे में। सो गाइस नई सीएमसी वैल्यू नर्सिंग का जो रिजल्ट है वो जैसे ही डिक्लेयर होगा तो हम आपको जो है सेम एज यूजुअल जो है एडमिट कार्ड की तरह आपको जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ आपको वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसके ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिससे आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू अपना जो रिजल्ट आसानी से चेकआउट कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को सीएमसी वैल्यू नर्सिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।